हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाग्यश्री गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट अदर पार्ट. कंटेंट्स आर एंटी मेटाबोलाइट्स, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स, क्लासिफिकेशन, ड्रग स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ मर्कप्यूरिन, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर, इपिडोफाइलोटॉक्सिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन of microtubules and drug structures. आज हम पढ़ेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में. एंटी मेटाबोलाइट सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट की होते क्या है. दीज आर द कंपाउंड्स दैट प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस और यूटिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स. ये क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बायोसिंथेसिस को, और जो जो सेलुलर मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब उनको काम में ले लेते हैं. उसके बाद मेनी एंटी मेटाबोलाइट्स आर एंजाइम इनहिबिटर्स. एक्चुअली होता क्या है कि इनमें बहुत सारे ऐसे एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो आरएनए से डीएनए की बनने की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो एंजाइम जो होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं. Nearly all of the clinical useful antimetabolites are related to metabolites and cofactor in the biosynthesis of nucleic acid. कि ये ज़्यादातर जो antimetabolites होते हैं वो metabolites से related होते हैं, और ये ज़्यादातर biosynthesis की nucleic acid की जो biosynthesis होते हैं उनमें इनको use किया जाता है. इसके बाद mechanism of action है antimetabolites का. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे प्यूरीन, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट और फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट. जिसमें प्यूरीन सबसे पहले हम देखते हैं प्यूरीन एंटागोनिस्ट और पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट. वो क्या कर रहे हैं, आरएनए से डीएनए की जो सिंथेसिस होती है बनने की, उसको इनहिबिट कर रहे हैं. अगर ये इसको इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन से क्या होगा, सेलुलर जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट की. फॉलेट से डीहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और डीहाइड्रोफॉलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज एंजाइम. जो होता है उसकी प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड से कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में. तो जो फॉलिक एंटागोनिस्ट होते हैं वो डाईहाइड्रोफॉलेट जो रिडक्टेज एंजाइम है उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनता और उसके बाद डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है. उसके बाद है इसका क्लासिफिकेशन. एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो चार क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं. सबसे फर्स्ट है अमाइनो एसिड एंटागोनिस्ट, जिसमें एजासेरीन, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, जिसमें मीथोट्रेक्सेट, ट्रायमिक्सेट. उसके बाद है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, जिसमें है फ्लोरोयूरेसिल, सिटाराबीन. उसके बाद है प्यूरीन एंटागोनिस्ट, जिसमें एजाथायोप्रीन, मर्कप्यूरिन और थायोग्विनिन. ये क्या है, एंटी मेटाबोलाइट की क्लासेस हैं, मतलब जिसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा कि ये इन इन क्लासेस में क्या किया है, डिवाइड किया गया है. ये ड्रग स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सिक्स मर्कप्यूरिन. सिक्स मर्कप्यूरिन जो है ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट है. ये क्या होते हैं, इफेक्टिव इन स्टेम सेल ल्यूकेमिया ऑफ चिल्ड्रन. जो बच्चों में जो स्टेम सेल ल्यूकेमिया हो जाता है उसमें क्या होते हैं, ये बहुत काम आते हैं. इनका साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है इससे. फिर नेक्स्ट है थायोग्विनिन. थायोग्विनिन जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रीट किया जाता है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया से. यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है यहाँ पे स्ट्रक्चर सिक्स मर्कप्यूरिन और थायोग्विनिन की. उसके बाद है फ्लोरोयूरेसिल. फ्लोरोयूरेसिल जो होता है मोस्ट एक्टिव ड्रग फॉर क्लोरेक्टल कैंसर. जो रेक्टल कैंसर होते हैं उनके लिए मोस्टली फ्लोरोयूरेसिल यूज़ किया जाता है. इसका साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन और जो जीआई टॉक्सिसिटी. मतलब क्या होता है कि इसमें एक जगह अगर ड्रग लेते हैं तो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है या फिर और जीआई टॉक्सिसिटी होने लग जाती है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी हो जाती है. फिर उसके बाद है फ्लॉक्सीयूरिडीन.
फ्लॉक्सीयूरिडीन जो है वो ज़्यादातर जीआई ट्रैक में यूज़ किया जाता है, जो जीआई ट्रैक जो इन्फेक्शन होते हैं, कैंसर होते हैं, उसमें इनको यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो कैंसर होगा उसमें फ्लॉक्सीयूरिडीन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है सिटाराबीन। सिटाराबीन जो है वो एक्यूट मायलोटिक ल्यूकेमिया ऑफ एडल्ट्स, मतलब जो ल्यूकेमिया जो अडल्ट में जो ल्यूकेमिया होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसकी साइड इफेक्ट है रीनल एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट जो है वो स्किन कैंसर के लिए यूज होता है। इनकी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं। फिर है एज़ाथायोप्रीन। एज़ाथायोप्रीन जो है वो मेनली यूज होता है इम्यूनोसप्रेसेंट की, जैसे मतलब ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे कैंसर थेरेपी में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ 6-मर्केप्टोप्यूरिन बोल लीजिए या मर्केप्टोप्यूरिन। तो हम क्या करते हैं, इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो लेते हैं हाइपोजेंथिन लेते हैं। हाइपोजेंथिन लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो रिंग स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट है वो तो पायरिमिडीन है और दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो इमिडाजॉल है। यहाँ पे दो रिंग है तो और ये क्या होंगी, ये दोनों मिलके हाइपोजेंथीन होगी। तो अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, POCl3 से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन में। पिरिडीन की अब ये क्या हो, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बना देगा, 6-क्लोरोप्यूरिन बना देगा। जब 6-क्लोरोप्यूरिन की हम क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन कराएंगे सोडियम थायोसाइनाइड के साथ, तो क्या होगा, NaCl निकल जाएगा, यहाँ Cl और NaCl निकल जाएगा और जो HCN है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्लोरीन की जगह पे अटैच हो गया, तो हमारे पास थायो। अब जब हमने पहले क्या 6-क्लोरोप्यूरिन बना, अब यहाँ पे थायोप्यूरिन बन जाएगा। तो हमने फिर H2O से जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे थायोसाइनेट की जगह पे क्या हो गया, SH मतलब थायोल ग्रुप अटैच हो गया। थायोल ग्रुप अटैच हुआ तो यहाँ पे हमने कहा 6-मर्केप्टोप्यूरिन हमें मिल गया। हम फिर से देखते हैं हाइपोजेंथिन की रिएक्शन POCl3 से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, 6-क्लोरोप्यूरिन मिला। 6-क्लोरोप्यूरिन मिलने के बाद हमने रिएक्शन कराई सोडियम थायोसाइनाइड के साथ में, सोडियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्शन कराई तो थायोसाइनाइड जो था वो क्लोरीन की जगह क्या हो गया, अटैच हो गया। और फिर हमने H2 के साथ जब रिएक्शन कराई तो क्या हो गया, थायोल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया और हमें 6-मर्केप्टोप्यूरिन मिल गया। फिर उसके बाद है वो हमने पहले बात करी एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में, अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स जो होते हैं उनको हम ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है विंका एल्कलॉइड, जो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लांट होता है सदाबहार या पेरीविंकल जिसको बोलते हैं वो प्लांट होता है विंका एल्कलॉइड्स। तो विंका एल्कलॉइड्स क्या करते हैं, बाइंड टू द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन इन अ डायमेरिक फॉर्म। ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रोटीन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन उसके डायमेरिक फॉर्म के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। द ड्रग ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स एड्स टू द फॉर्मिंग एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल टू टर्मिनेट असेंबली। ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ड्रग ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स बना देंगे और कहाँ पे, माइक्रोट्यूब्यूल की टर्मिनेट असेंबली पे अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स अकर्स, मतलब वहाँ पे माइक्रोट्यूबुल का क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है। इस हमको मैकेनिज्म को एक डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे। रिजल्टिंग इन माइटोटिक अरेस्ट एट मेटाफेज, क्या होता है, माइटोटिक मेटाफेज भी ये काम कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एंड इंटरफेज विद क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। ये क्या करते हैं, मेटाफेज पे काम करेंगे और डिसोल्यूट कर देते हैं, डिसोल्यूशन कर देते हैं माइटोटिक स्पिंडल का और इंटरफेयर कर देते हैं क्रोमोसोम सेग्रीगेशन का। उसके बाद में CCS एजेंट्स एम फेज, मतलब ये मेटाफेज पे हम काम करते हैं। उसके बाद है यूजेस विन ब्लास्टिन जो है सिस्टमिक हॉजकिन डिजीज में यूज़ किया जाता है, लिम्फोमास में यूज़ किया जाता है। वहीं पे विन क्रिस्टीन जो होता है अगर हम उसको प्रिडनीसोलोन के साथ में विद प्रिडनीसोन तो फॉर रिमिशन ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया में इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं इपिडोफाइलोटॉक्सिन्स। इपिडोफाइलोटॉक्सिन्स के अंदर है इटोपोसाइड। इटोपोसाइड में क्या होता है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन्स ऑब्टेन फ्रॉम पोडोफाइलम पैलेटम।
ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है पोडोफाइलर टॉक्सिन, और ऑप्टेन होता है पोडोफाइलम पैलेटम से। ये इनिबिट एंजाइम टोपो आइसोमरेज सेकेंड, ये टोपो आइसोमरेज सेकेंड को क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं, लीडिंग टू डीएनए डैमेज, जिससे क्या हो जाता है, डीएनए डैमेज हो जाता है। और ये करते हैं ब्लॉक द सेल इन द एस जी टू फेज ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल होती है उसकी एस जी टू जो फेज होती है उसको ये क्या करते हैं, एटोकोसाइट ब्लॉक कर देते हैं। हमने माइक्रोट्यूब्यूल का हमने हमने पहले से पहले पढ़ा था कि मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, ये डायग्राम के थ्रू, पैरेंट सेल है, पैरेंट सेल से क्या बनता है, स्पिंडल्स फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, डॉटर सेल्स बन जाती हैं, यहीं पे ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन से पॉलीमराइजेशन, वाइस वर्सा डीपोलराइजेशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे हैं। तो ये यहाँ की जो माइक्रोट्यूबुल जो होता है वहाँ पे क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। ड्रग स्ट्रक्चर है विनक्रिस्टिन, हमने बात करी, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये क्या है, प्लांट से डिराइव होता है। हमें पता है कि ये विंका रोजिया जो प्लांट है उससे क्या होता है, ये डिराइव होता है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं। हमने इससे पहले भी इसके यूजेस पढ़े हैं। तो ये कहाँ पे, हॉजस्किन डिजीज में, एक्यूट लिम्फोटिक लिम्फोटिक जो ल्यूकेमिया होता है उसमें, और लंग कैंसर में इनको यूज किया जाता है। ये इटोपोसाइट की स्ट्रक्चर और ये विनक्रिस्टिन की स्ट्रक्चर। तो आज हमने पढ़ा एंटी मेटाबोलाइट्स और माइक्रोट्यूबुल इनिबिटर, जिसमें हमें हमने प्लांट प्रोडक्ट्स भी, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऐसे हम प्लांट प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया हो। थैंक यू।